हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, वो मैं आपके साथ अभी साझा करने वाला हूं। इससे पहले चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लीज़ जाकर देख लीजिए। एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे और आपका छूट जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। उससे पहले बस आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें। आप लाइक अभी मत करो, दो चार क्वेश्चन देख लो, अगर मैंने अच्छे से पढ़ा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। दूसरा, आप इस वीडियो को किस प्लेस से देख रहे हो, किस स्थान से देख रहे हो, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए देवघर झारखंड से बना रहा हूँ, नीचे कमेंट करके आप जो है अपने जगह का नाम जरूर लिखिएगा। पता भी तो चले मेरे भाई बहन कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया है? तो देखिए, भारतीय पत्रकारिता का जो राजकुमार है वो कहा जाता है क्रिस्टोफर दासपाल को। ये तो आंसर सीधा सीधा है, आप रट लोगे, लेकिन कुछ जो ऑप्शन है उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देख लो, जुगल किशोर शर्मा, हिंदी से जो है पत्रिका जब छपी थी, एक्चुअली समाचार पत्र सबसे पहला जो समाचार पत्र है जुगल किशोर शर्मा के द्वारा ही जो है प्रकाशित की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा द बंगाल गजट, ये जो द बंगाल गजट है ये किसके द्वारा छापा गया है, ये भी मैं आपको जो है शेयर कर देता हूँ। ये जो है जेम्स हिक्की के द्वारा जो है छापी गई पुस्तक थी, ठीक है, इसका जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दो बातें आपने समझ ली, तीसरी बात जो है ये जानना जरूरी है, जुगल किशोर शर्मा ने जो हिंदी में जो पत्र जो समाचार पत्र छापी थी उसका नाम था उद्दंड मारतंड, ठीक है। ये आप जो है ये भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ये भी जो है सवाल पूछा जा सकता है। ये तो होगी पहली बात। एक और इसके साथ है, इन्होंने सबसे पहले हिंदी की जो पत्रकारिता शुरुआत की थी कहाँ से करी थी, कोलकाता से। अभी का कलकत्ता उस समय, अभी का जो है कोलकाता उस समय का कलकत्ता हुआ करता था। अब जेम्स हिक्की के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है द बंगाल गजट सबसे पहले भारत में छापी थी 1780 में। किस लैंग्वेज में? ऑब्वियसली बात है ये इन्होंने इंग्लिश में छापा था और धर्म के प्रचार के लिए ये छापा गया था। राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में आप जानते ही हो, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, सती प्रथा उन्मूलन यानी सती प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। आगे भी इनके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, चीजों को देखेंगे। अगला सवाल देखो, राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका जो है प्रकाशित की थी, उस पत्रकारिता का नाम, एक्चुअली उस जो पत्रिका जो है प्रकाशित की गई थी इनके द्वारा, उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सवाल जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, संवाद कुमोदी। और मैं आपको बताऊं, ये जो है ना आप क्लास टेंथ के एनसीईआरटी को पढ़िएगा, और एनसीईआरटी में जो आखिरी चैप्टर है जिसमें कि पत्रकारिता के बारे में बताया गया है, मैगजीन वगैरह जो सबसे पहले जो है कहाँ पे प्रकाशित हुई, फिर इंडिया में कैसे आया, वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। और संवाद कुमोदी जो एक बुक है, इसमें जो है पत्रकार, ये पत्रिका होती थी, हर महीने निकलती थी, इस पत्रिका के माध्यम से ये लोगों में अवेयरनेस फैलाते थे कि सती प्रथा के खिलाफ आपको क्या करना है, आवाज़ उठाना है। और याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी, ये जब बच्चे की माँ बनने वाली थी या जब ये प्रेग्नेंट थी, तो इसी समय इनके पति का देहांत हो जाता है और इनको जबरदस्ती जो है सती बना दिया जाता है, यानी कि इनको आग के हवाले कर दिया जाता है। और उस समय राजा राम मोहन राय इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं ये गलत हो रहा है, और इस वजह से इनके पिताजी इनको घर से निकाल देते हैं। और इससे क्या होता है, इस वजह से जो है इनको बहुत सुनना भी पड़ता है अपने पिताजी से कि तुमने दो चार अक्षर पढ़ लिया तो तुम जो सदियों से परंपरा चली आ रही है उस पर तुम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हो। तो इसका फिलहाल सही आंसर क्या हो जाएगा, संवाद कुमोदी। और बंगाल गजट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा बंगाल गजट जो है भारत में भारतीय भाषा में छपने वाली पहली जो है समाचार पत्र है। किस भाषा में छपी थी ये भी याद रखिएगा, बंगाली में ये जो है छपी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में उद्दंड मारतंड लेकिन बंगाल गजट जो है पहली भारतीय भाषा में छपने वाली किताब थी। खैर, इसके बारे में भी आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से पूछा गया है, एक मैच द फॉलोइंग है, उसमें बताया गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन है बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है। बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु है वो 1 अगस्त को जो है हो जाती है, 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो देखिए एक और कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर नगर बम कांड में इनका नाम आता है और इस वजह से इनको फांसी दी जाती है। खुदीराम बोस 18 ही साल के थे, इतने से वो पढ़े लिखे भी कुछ खास नहीं थे, और आखिरी समय जब उनको फांसी पे ले जाया जा रहा था तो उन्होंने कहा जेलर से आखिरी ख्वाहिश में कि मेरे हाथ में गीता की पुस्तक दी जाए। और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि गीता की पुस्तक लेते हुए फांसी के पंदे पर जो है हंसते हंसते झूल गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी और इससे बाल गंगाधर तिलक जो है बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने जो है
जब ये जेल में थे उसी दौरान इन्होंने गीता रहस्य की जो है रचना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी के माध्यम से याद रखोगे तो आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े, उससे पहले मैं आपको बता दूं अरविंदो घोष द आइडियल ऑफ द ह्यूमैनिटी यूनिटी, बिल्कुल सही बात है, ये भी पुस्तक जो है अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई थी। अरविंदो घोष के द्वारा जो एक बुक लिखी गई थी उसका नाम है सावित्री। यहाँ पे सावित्री बाई फूले के बारे में बात हो रही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सावित्री बाई फूले जो है जो दलित समाज से महिलाएं आती थी जो पढ़ना नहीं चाहती थी, उनके उद्धार के लिए उनके पति का नाम मैं भूल रहा हूँ, दोनों ने मिलकर जो है बहुत काम किया था पिछड़ों को आगे लाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। और अरविंदो जो अभी आश्रम है, अभी आपको जो है पांडिचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ये क्रांतिकारी थे अरविंदो घोष, लेकिन बाद में ये जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाते हैं, यानी कि ये ध्यान वगैरह जो है लगाने लगते हैं और ये आज़ादी वगैरह से जो है मुक्त हो जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की ओर। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और 16 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं और इनका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। तो 16 साल तक जवाहरलाल नेहरू क्या थे, पीएम थे। इनके द्वारा जो है द यूनिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल लिखा गया है। इनके द्वारा जो एक फेमस लिखी गई है बुक जिनका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताब आपको खोज कर पढ़नी चाहिए, कमाल की बुक है, मैंने पढ़ी है, कुछ पेजे ही पढ़ी है। मैं आपको यहाँ पे झूठ का जो है पूरी बात नहीं, आधी अधूरी बात नहीं बताऊंगा कि मैंने पूरी पढ़ ली, कुछ ही पेज मैंने पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ा था और मुझे लगा कि इसकी बुक खरीद कर पढ़नी चाहिए, जैसे मौका मिलेगा मैं पढ़ूंगा। फिलहाल इनके द्वारा एक और जो है किताबें लिखी गई थी, एक्चुअली इन्होंने जो है लेटर वगैरह लिखा था किसको, इंदिरा गांधी को, अपनी बेटी को, और उसमें लिखा था लेटर टू डॉटर, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। फिलहाल जो आखिरी ऑप्शन है ये क्या है, इनकरेक्ट है। आखिरी ऑप्शन क्या है, सुभाष चंद्र बोस, एस सी बोस का मतलब हुआ सुभाष चंद्र बोस। इनके द्वारा द स्प्रिंग टाइगर नहीं लिखी गई है, ये आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ चीजों को और जानिए, तो इन्होंने जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था पहली बार, सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये याद रखिएगा। ये दो बार 1838 में और 1839 में दो बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। पहली बार पहली बार कहाँ बने थे, शायद हरिपुरा में बने थे, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, दूसरी बार तिरुपुरी में बने थे, जिसके बाद विवाद हो गया गांधी जी से, और गांधी जी से विवाद होने के बावजूद इन्होंने जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तो समझ सकते हो कितनी डिग्निटी उस समय के लोगों में हुआ करती थी। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको आगे बढ़ना था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 17 में, क्वेश्चन क्या दिया गया है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए यह पुस्तक जो है आरसी मजुमदार के द्वारा नहीं लिखी गई थी, यह पुस्तक लिखी गई थी बीपी मेनन के द्वारा। अभी इनके बारे में भी कुछ चीजों का खुलासा करूंगा मैं। देखिए ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि वायसराय के क्या थे, सलाहकार थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो वायसराय का संवैधानिक सलाहकार था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीपी मेनन वही थे जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मदद करी थी, सारे अलग अलग राष्ट्रों को जो है सरदार पटेल की इन्होंने मदद करी थी कि अलग अलग जो राज्य अलग अलग हो गए थे उनको इंटीग्रेट यानी कि एक साथ जो है मिलाने का काम भी इन्होंने किया था। तो बीपी मेनन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसे आपको याद रखना है। अब देखो कुछ और चीजों को देख लेते हैं, आरसी मजुमदार के बारे में आपको जानने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आरसी मजुमदार पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत सरकार ने, भारत जब आजाद हो गया 1947 में, तो इनको इतिहास लिखने के लिए जो है इनको जो है नियुक्त किया गया, और इन्होंने कहा कि बोलो पेंसिल, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला पेंसिल, और इन्होंने कहा कि इतिहास लिखना कैंसिल। आपको थोड़ा फनी लग रहा होगा ताकि चीजों को आप लाइट वेट में समझ सको। तो ये मजुमदार साहब ने कहा कि मैं जो है सरकार के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, सरकार के सहमति के अकॉर्डिंग जो है या फिर सरकार के कहे अनुसार लिखना मेरे बस की बात नहीं है, तो इन्होंने जो है मना कर दिया। बाद में एसएस सेन के द्वारा जो है ये इतिहास लिखा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी TRE 1 या TRE 2 में ये जो है सवाल पूछा गया था टीचर्स के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, इस पुस्तक को किसने लिखा था, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। तो देखिए बापू के कदमों में बाबू, आपका बाबू यहाँ पे वो नहीं है सोना बाबू आप जो रात में करते हो, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इनको बाबू बुलाया जाता था, सुभाष चंद्र बोस जो है और भी बहुत सारे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, इनको जो है प्यार से बापू बुलाते थे, बापू तो ये जो महात्मा गांधी है उनको बुलाया जाता था। और इसका जो हिंदी अनुवाद है ये भी याद रख लीजिएगा, अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है आपको, बापू के कदमों में बापू,
ठीक है, बापू बापू बार मैं बोल रहा हूँ, बाबू यहाँ पे होना चाहिए। चलो खैर, इसे एक बात तो प्रूफ हो गई कि ये सब जो बुक्स हैं ये इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना है आपने। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे वो पिताजी कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। उनके द्वारा, देखो देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो है एक बुक लिखी गई, उस बुक का नाम क्या था वो आप जान लो। इनके द्वारा जो है बहुत सारे संगठन का भी जो है, एक्चुअली ये पढ़े लिखे परिवार से, सारे लोग पढ़े लिखे थे यहाँ पे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जो इंडियन मिरर बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो देखिए यहाँ पे SN सेन है। ये SN सेन कौन है अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले देवेंद्रनाथ ठाकुर जो है ये किसके पिताजी थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी थे, सॉरी इनके पुत्र थे रविन्द्रनाथ ठाकुर। और रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार जीता गया एशिया में पहली बार। और फिर इन्हीं के भाई थे SN सेन, इन्होंने जो है भारत का इतिहास भी लिखा। जब RC मजूमदार ने मना कर दिया तो ये एक्चुअली सॉरी इनका नाम है NN सेन, सॉरी SN सेन के द्वारा इतिहास लिखा गया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? NN सेन। तो इसे याद रख लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया है? नोट वाले आंसर को ढूंढना है। हिंदुस्तान, इन्हीं के हिंदुस्तानी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। रस्ते गुप्तार इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। सौदागर अखबार इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं लिखी गई थी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जीतने वाले, सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव जो है किस भारतीय के द्वारा पहली बार लड़ा गया, और वो दादा भाई नौरोजी नहीं थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक और बात जान लो, ये दूसरे प्रयास में, सेकेंड बार में जो है ये सांसद वहां पर बन पाए हुए थे, पहली बार में ये नहीं बन पाए थे। तो इसका आंसर फिलहाल ई नंबर होगा, ई को आप जो है लॉक कर दो। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक था? बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा लिखी जाती थी? तो देखिए सीधा सीधा है, फिरोज शाह मेहता जो कि नरम दल के नेता थे, जिनको उदारवादी माना जाता था, इनके द्वारा ये पुस्तक, ये जो है प्रकाशक थे फिरोज शाह मेहता। कवि वचन सुधा, इस पत्र के संपादक का नाम आपसे पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्वारा जो है कवि वचन सुधा नामक पत्र के जो है ये संपादक थे। याद रखना इस बात को, ये बनारस की धरती से आते हैं। और एक और नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बाल गंगाधर तिलक। ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, इस बात का याद रखिएगा, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ये आपको जो है दिमाग में रखना है। दूसरी बात, इन्होंने जो है पहले इस, ये जो कवि वचन सुधा है इसका सबसे पहले प्रकाशन किसमें हुआ करता था? ये पहले पत्रिका थी, बाद में ये न्यूज़पेपर बन गया। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इनके द्वारा जो है मराठा और केसरी, ये दो किताब, जो है अखबार निकाला जाता था, पहला मराठा दूसरा हो गया केसरी, इनको भी याद रख लेना है आपको। अब हम लोग याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। वह कौन सा प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? देख लो, देवनागरी लिपि के बारे में बात की जा रही है, तो ये काम किया था महात्मा गांधी ने, ये काम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। लेकिन यही देवनागरी की जगह जो है रोमन पूछ दिया जाए कि रोमन लिपि में भी जो है हिंदी को लिखने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस, CBC शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, इनके द्वारा कहा गया। एक्चुअली हुआ क्या, ये समझ रहे हो आप, दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु में खास करके लोग हिंदी का जो है विरोध करते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर आपको हिंदी देवनागरी में लिखने में डिफिकल्टी हो रही है तो यू कैन राइट इन रोमन लेटर, जैसे कि राम, जैसे भी आप WhatsApp में लिखते हो ना, बस ऐसा समझ लो, कहाँ हो आप लिखते हो ना, तो आप लिखते हो कहाँ हो, ऐसा लिख देते हो। तो ये जो है क्या है, रोमन में आप लिख रहे हो हिंदी को, रोमन में लिखने का सुझाव सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन देवनागरी में ही लिखने की बात जो है महात्मा गांधी ने की थी। चलिए यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। और याद रखिएगा एक और नाम है यहाँ पे जो कि समझने वाली बात है, दयानंद सरस्वती का। ये जो है दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत सवाल पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती ही एक वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी शब्द का जो है इस्तेमाल किया था। स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल इन्हीं के द्वारा किया गया था। दूसरी बात जो है वो आपको याद रखना है, इनके द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में जो है चिन्हित करने का भी काम इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था, सुझाव दिया गया था। स्वराज जो आप देख रहे हो ये भी जो है पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था।
और एक और बात इनके बारे में याद रखिएगा आप, इनके बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि मैंने आपको करा दिया। तो फिलहाल आंसर तो मैंने आपको बता दिया, सी होगा। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में जाने उससे पहले कुछ और चीजों को आपको जान लेना बेहतर होगा। सबसे पहले चलो आंसर ही जान लेते हैं, एस गोपाल, इनके द्वारा ये लिखा गया था। और एस गोपाल के द्वारा ये बातें कही जाती है कि इन्होंने कहा कि जो मुगल हैं, मुगल यानी कि औरंगजेब वगैरह, ये सब जो है अंग्रेजों से बहुत बेटर हैं, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग हैं उनसे बहुत बेटर हैं। ब्रिटेन तो अपना खजाना भर रहे हैं, अपने जो है तिजोरी में सिक्का सोने चांदी यहाँ इंडिया से ले जाकर जो है जमा कर रहे हैं, लेकिन मुगल ने कभी भी जो है इस देश को लूट कर कहीं नहीं ले गए, इन्होंने जो है इसी भारतवर्ष को समृद्ध किया है। तो अंग्रेज तो मुगल से भी गए गुजरे हैं, ऐसा किसने कहा था? एस गोपाल ने कहा था, पहली बात। दूसरी बात, करजन का नाम आपने देख लिया, करजन के समय में ही, शासन काल में ही जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, और ये करजन 1899 में से लेकर 1905 तक जो है ये यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल बना हुआ था, और इसी के समय बंगाल का भी विभाजन हुआ था। अगला नाम देखो लिटन का है। लिटन एक्चुअली ये बहुत लव स्टोरी वगैरह लिखा करता था, फिक्शन वगैरह लिखा करता था। और किस नाम से, ये जो है कभी कभी सवाल जब बहुत टेढ़ा पूछा जाना होता है तो यहाँ से सवाल पूछता है। मेरेडिथ ओवेन के नाम से जो है ये, इसी नाम से जो है अपना ये, एक्चुअली क्या होता है ना, जब वो राइटर बनते हैं तो राइटर कुछ नाम बहुत तगड़ा होना चाहिए, तो ये वो काम किया करता था। ठीक है, फिलहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए इनका नाम है HRA से संबंधित, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1924 में। और याद रखिएगा 1924 में स्थापना की गई थी, और सचिंद्र नाथ सान्याल जिनको जो है उम्र कैद की सजा हो गई थी, कब? काकोरी कांड में, काकोरी इंसिडेंट में जो है इनकी, इनको जो है उम्र भर का जो है इनको क्या किया गया था, कैद दे दिया गया था। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, काकोरी कांड में ही जो है बहुत सारे लोगों को फांसी भी दी गई थी। काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में, नोट डाउन करते जाइएगा। अगला सवाल है, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, देखो भारतीय भाषा में, तो यह भी मैंने आपको बताया था कि यह क्या होगा, दिग्दर्शन, ये जो है बंगाली में ये छपा था। पहला है बंगाल गजट, द बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी में छपा था। ठीक है, और किसी भारतीय ने, अभी खैर मैं भी रिवील नहीं करूंगा, वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो कुछ और चीजों को अगर आप देखना चाहोगे तो देखिए, जो दिग्दर्शन है वो 1816 में जो है इसकी जो है शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा? मार्क्समैन के द्वारा। मार्क्समैन ने जो है इसकी शुरुआत करी थी, किसकी शुरुआत करी थी? मार्क्समैन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। मिरातल अखबार की बात करें तो ये फारसी में छपा था, याद रखना, और पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ था पूरे वर्ल्ड में कि ये जो है फारसी में, इंडिया में ये जो है पहला अखबार छपा था। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन के द्वारा जो है जाम ए जहानुमा, ये पुस्तक, दोनों पुस्तकें एक्चुअली, ये और ये, इसको भी जो है उर्दू में प्रकाशित की गई थी इन्हीं के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, चीज़ों को आप समझ लेना और नोट डाउन करते जाना। अब देखिए उत्तंड मार्तंड, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, और इनके द्वारा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ से देखो, ये है जुगल किशोर शर्मा, इन्हीं के द्वारा जो है उत्तंड मार्तंड पत्रिका का जो है शुरुआत की गई थी, समाचार पत्र की, जो कि 30 मई से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी दिन हम लोग भारत में जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर हो गई बातें? अब देखो कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, वेट ए मिनट, हम लोगों ने बहुत, यस ये भी मैंने पढ़ा दिया। अब देखो, अब ये रहा, तो ये मैंने बता दिया ये क्या था, दिग्दर्शन, इसका क्या होगा आंसर, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वेट ए मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये भी शायद मैंने पढ़ा दिया था, 9 भी पढ़ा दिया था, सचिंद्र सान्याल, जी हाँ ये भी मैंने पढ़ा दिया। अब देखो अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक कौन थे? देखो एक्चुअली यहाँ पे ये थोड़ा कलर नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, आप चीज़ों को समझ ही पाओगे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी, और लाला लाजपत राय के द्वारा जो है वंदे मातरम नामक जो पत्रिका है या समाचार पत्र है, इसको इन्होंने उर्दू में जो है छापा था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनहैप्पी इंडिया के बारे में जो है वंदे मातरम जो अखबार है इनके द्वारा उर्दू में निकाला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और याद रखिएगा ये जो लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने जो अभी आप पंजाब नेशनल बैंक देखते हो, इन्हीं के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा जो है आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी, आर्य समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या है,
अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, एक और नाम था, सॉरी, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने देखो जो जो किताबें सबसे पहले अपने जीवन में प्रकाशित की थी, शुरुआत की थी उसके, तो वो हम लोग देख लेंगे। तो देखो, महात्मा गांधी के द्वारा जो है सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है लंदन गाइड। लंदन गाइड इनकी पहली पुस्तक थी। गांधी जी की पहली पुस्तक का नाम क्या है? लंदन गाइड। एक्चुअली ये लंदन में उस समय जो है बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी। और दूसरी किताब इनकी आई हेल्थ गाइड। उसके बाद जो है फिर इन्होंने माय एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ वगैरह जो है बहुत सारी किताबें लिखी। हरिजन पत्रिका का भी जो है इन्होंने संपादन किया था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 पुस्तक का लेखक कौन था? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के द्वारा ये बुक लिखी गई और इसमें उन्होंने जो है 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो है संज्ञा दी गई थी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्हीं के द्वारा इन्होंने जो है 1899 में अपने भाई गणेश सावरकर के द्वारा जो है दोनों भाई मिले थे और दोनों ने मिलकर जो है पहले क्या किसकी शुरुआत करी थी? मित्र मेला की शुरुआत करी थी और फिर मित्र मेला का ही नाम बदल करके अभिनव भारत रखा गया था। तो खैर, सावरकर के ऊपर एक शायद मूवी भी आ रही है तो वो आप देख सकते हो चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए। वीर सावरकर को कुछ लोग वीर मानते हैं, कुछ लोग कायर मानते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का। फिलहाल अगला सवाल देखिए क्या है। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम कब किस वर्ष में पारित हुआ? तो देखिए, ये हमेशा से जो है फ्लक्चुएट होता रहा है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी जब चला रहे थे 1931 में जो है ये अधिनियम लाया गया था। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ेंगे। इंडियन ओपिनियन के अवैंतिक संपादक कौन थे? देखिए, इंडियन ओपिनियन तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन संपादक का नाम पूछेगा आपको मनसुख लाल नागर के साथ जाना है। ये बहुत लोग जो है महात्मा गांधी का नाम देकर महात्मा गांधी लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और एग्जाम में 1 मार्च से चूक जाते हैं। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन थे? स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक का नाम आपसे पूछा गया है तो इसका नाम हो जाएगा बिपिंद्र चंद्र पॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मजुमदार, यही वो व्यक्ति थे आरसी मजुमदार जिन्होंने जो है सरकारी राइटर बनने से जो है साफ साफ इनकार कर दिया। सरकार के नीचे रहकर काम करना इनको मुनासिब नहीं लगा, सरकार के अनुसार काम करना इनको मुनासिब नहीं लगा और इन्होंने मना कर दिया। धर्म सुधार आंदोलन की महान पुस्तक इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजियन का निम्नलिखित में से लेखन का काम किसने किया था? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉन कैलिवन के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है कि ये क्वेश्चन रहे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए करा दिया क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है। अगला सवाल, किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम बताइए। किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित, तो देखिए ये था बंगाल गजट। बंगाल गजट इंडिया में अगर पूछा जाए तो ये है द बंगाल गजट जो कि बंगला में छपा था, लेकिन बंगाल गजट किसी भारतीय के द्वारा ही छापा गया था जिनका नाम था, आपको पता ही होना चाहिए, इनका नाम क्या था? गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य। और जब आप NCERT के बुक को पढ़ोगे इनके नाम का जिक्र आपको उसमें दिखेगा, जेम सिक्की का जो है आपको दिखेगा। तो प्रिंट इन इंडिया और या वर्ल्ड वाला बुक है शायद 10 में आपको ये मिल जाएगा, वहां जाकर जरूर आप देख सकते हैं इसे। और जेम सिक्की ने सबसे पहले जो है इंडिया में समाचार पत्र की शुरुआत करी थी। कहाँ से? गोवा से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से ये जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं बार बार बने जाते हैं। और याद रखिएगा, जेम सिक्की ने जो है वॉरेन हॉस्टिंग के खिलाफ जो है बहुत सारी बातें लिखी थी, तो इसे जो है हॉस्टिंग बहुत गुस्सा में आ गया और जो है उसने जो है कहा कि अब जो है रेगुलेटिंग एक्ट लगाया जाएगा, तुम लोग कुछ भी अपने मन से नहीं छाप सकते हो, हम लोग उसको जो है बराबर जो है क्या करेंगे उस पर नजर रखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में हम लोग मिलेंगे और चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।